अभी कश्ती जो है ना रवाना हो चुकी है। ये देखें, ये झंडा भी लगा हुआ है पाकिस्तान का, और ये चप्पू वाली कश्ती के ऊपर बैठे हुए हैं। तो सफ़र हमारा शुरू हो चुका है, पानी भी बहुत ज़्यादा है ये देखें, और सामने हेड पाइनंद की वो सड़क है, ऊपर सवारियां वगैरह जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं हेड पाइनंद पे। हेड पाइनंद वो सामने रहा, बस दो मिनट तक हम लोग हेड पाइनंद के ऊपर पहुंच जाएंगे। तो वहां का व्यू देखते हैं, वहां का माहौल देखते हैं कि कैसा है। तो वहाँ का व्यू आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो आज इंजॉय करेंगे, आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो अभी हम लोग चलते हैं हेड पाइनंद की तरफ। तो इस वक्त मैं हेड पाइनंद पे पहुंच चुका हूं, और वो देखें काफ़ी सारे लोग कश्तियों के ऊपर घूम रहे हैं। एक कश्ती वो खड़ी है, कुछ लोग वहां पे घूम रहे हैं। तो कुछ इस तरह का व्यू है। तो पानी दरों के बराबर आ चुका है, ये देखें, शायद आगे छोड़ा नहीं हुआ, आगे बंद किया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ दरें बंद किए हुए हैं, और पानी देखें दरों के बराबर हो चुका है। तो इस तरह का कुछ व्यू है हेड पाइनंद का। ये देखिए वहाँ पे भी ना कोई कश्तियाँ वगैरह मेरे ख्याल में खड़ी हैं, और लोग कश्तियों पे मेरे ख्याल में सैर करते हैं। तो अभी आप लोग भी चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं कि अगर कश्तियों के ऊपर सैर करवाते हैं तो सैर भी करेंगे आज इंशाल्लाह। और ये है जी अब्बासिया लिंक कनाल। खिलौने वगैरह रखे हुए हैं। तो ये है जी किश्तियाँ। तो अभी हम लोग चक्कर लगाने लगे हैं किश्ती का, चलते हैं नीचे। तो ये है जी किश्तियाँ, और सामने हेड पाइनंद। तो हम लोग लगाने लगे हैं कश्ती का चक्कर। डर भी लग रहा है, ये देखें कितना पानी पानी है, और सामने देखें ये सारा हेड पाइनंद है, और पानी भी बहुत ज्यादा है। तो अभी कश्ती जो है ना रवाना हो चुकी है, ये देखें, ये झंडा भी लगा हुआ है पाकिस्तान का, और ये चप्पू वाली कश्ती के ऊपर बैठे हुए हैं। तो सफ़र हमारा शुरू हो चुका है, पानी भी बहुत ज़्यादा है ये देखें, और सामने हेड पाइनंद की वो सड़क है, ऊपर सवारियां वगैरह जा रही हैं, ये देखें। तो बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे, और वहां से हमारा सफर स्टार्ट हुआ है। तो ये चप्पू के जरिए ना सफर कर रहे हैं हम लोग, तो बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। पानी देखिए, पानी बहुत ही ज्यादा है, ये देखिए।
तो इस तरह का व्यू नजर आता है, बहुत ही आउट क्लास व्यू है। ये देखें, और सामने वो दो तीन बतकें घूम रही हैं और सामने भी दो तीन लड़के बैठे हुए हैं और एक हमारे सामने जो है वो कश्ती जा रही है, वो भी शायद सैर करने के लिए है। मैंने जिंदगी में पहली बार कश्ती का सफर किया है, तो इस तरह का जो माहौल है ना, वो मैंने पहली बार देखा है, एंजॉय किया। इस तरह का माहौल मैंने कश्ती पे जो माहौल होता है वो मैंने पहली बार एंजॉय किया है, पहले मैंने कभी नहीं एंजॉय किया इस तरह का व्यू। ये देखें, आप देख सकते हैं, क्या जबरदस्त माहौल है यार, बहुत ही आउट क्लास नजारा है। तो काफी सारे लोग आते हैं जो कश्तियों पे सैर करते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर निकल जाते हैं। और वो जो स्टॉल लगे हुए हैं वहां पे लोग मछली वगैरह खाते हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं दरियाई मछली भी खाते हैं, साथ में जो कश्ती पे बैठ के दरिया का व्यू होता है ना, जो नजारा है वो देखते हैं और यहाँ का व्यू भी इंजॉय करते हैं। ये देखें, जबरदस्त माहौल है यहाँ पे। उस्ताद इनको क्या से देने, ये जड़ी है, अच्छा नीलो, अच्छा इसको यहाँ के लोकल जो लोग हैं नीलो सर की बूटी कहते हैं। ये देखें, ये दरिया के साथ साथ इसी तरह होती है। इस तरह चप्पू के जरिए ना कश्ती आगे की तरफ जाती है। व्यू जो है ना बहुत ही आउट क्लास व्यू है, डर भी लगता है। ये देखें सामने ना, सामने हेड पंडंद है और यहाँ पे पानी है, बहुत ही ज्यादा पानी है। तो इस तरह का कुछ व्यू नजर आता है। ये देखें, तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है कि आपको व्यू कैसा लगा। अगर आपको व्यू अच्छा लगे ना तो कमेंट जरूर करना है आपने। ये देखें, बहुत ही जबरदस्त यार, तो ये माहौल है जी, इस तरह का कुछ व्यू नजर आता है। तो अभी हम जा रहे हैं वापस की, डर बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि पानी को देख के ना, किस तरह देखे डर लगता है यहाँ पे। और ये सारा दिन लोग यहाँ पे आके इसी तरह कश्तियों की सवारी करते हैं, और ये जो हेड पंडंत के सामने जो पानी का व्यू नजर आता है ना, वो व्यू देखते हैं और इन्जॉय करते हैं, सारा दिन इसी तरह होता है। सर्दियों में थोड़ा सा कम होते हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं और इसी तरह व्यू देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो अभी हवा बहुत ज़्यादा है, तो कश्ती जो है ना हेड पंडंत की तरफ जा रही है। ये देखें, अभी हम लोग किनारे के करीब पहुंचने वाले हैं। तो जब दरमियान में वहां पे थे ना, तो बहुत डर लग रहा था, बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन अभी नहीं लग रहा क्योंकि अभी किनारे के बिल्कुल नजदीक पहुंचने वाले हैं। और भी कश्तियां खड़ी हैं क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं, दूसरे बंदे भी इंतजार कर रहे हैं कि हमने भी चक्कर लगाना है।
तो किनारे के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं, तो वहां पे खड़ी करेंगे ये। तो अभी ये भाई जा रहे हैं, हमारा चक्कर हो चुका है मुकम्मल, उतरते हैं नीचे। बहुत ही जबरदस्त, बहुत इंजॉय किया है मैंने, बहुत ही इंजॉय किया। अभी उतरते हैं नीचे। तो दरिया की हमने कश्ती के जरिए सैर कर लिया, अभी हम चलते हैं आगे का माहौल देखते हैं कि आगे क्या व्यू नजर आता है। तो अभी हम लोग चलते हैं इधर नीचे, इधर माहौल देखते हैं कैसा माहौल है। इस तरफ पानी आ रहा है, इस तरफ पानी अभी नहीं आ रहा। ये तरह बंद किए हुए हैं, ये देखें। और ये दरे अभी चल रहे हैं, ये मेरे ख्याल में छोटी अबासिया है, अबासिया कैनाल, और ये है जी पांच नद नहर। इस तरह का कुछ माहौल है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। तो अभी चलते हैं आगे, आगे का व्यू भी देखते हैं कि कैसा व्यू है। वो देखें, वाइट परिंदे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे चलने जाने की कोशिश करते हैं। ओ, ये इन्होंने बंद किया हुआ है यहाँ से, ये बंद है, नहीं तो वहां पे चलते और वहां से व्यू देखते वहां पे, क्योंकि ये बंद किया हुआ है, आगे जा नहीं सकते। ये देखें, ये पानी जहाँ से ना नीचे से आना शुरू होता है, ये देखें, बहुत ही आउट क्लास व्यू है। ये वो ही जड़ी बूटी है जो वहां पे देखी थी हमने, ये वो ही कट कट के यहाँ पे आके जमा हो जाती है। यहाँ पे शोर बहुत ही ज्यादा है, ये देख। तो हेड की भी सैर कर ली है कश्ती के साथ, दरिया का व्यू भी देख लिया है, मछली भी खा ली है। तो आज तो दिल गार्डन गार्डन सा हो गया है। अभी हम चलते हैं वापस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।